आपको अपनी स्पेशल ग्राउंड जीरो में ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में अलर्ट हैं और किस तरीके से भारतीय सेना के जवान हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, खास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 5 तरह की सरहद है, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल अगर देखने को मिलती है तो वो है LOC पर। यही वजह है कि ग्राउंड जीरो पर पेट्रोलिंग कर रहे जवानों के लिए खतरा बेहद ज्यादा होता है। चुनौतियां कदम कदम पर उनकी परीक्षा लेती हैं। ये पुंछ का इलाका है, भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा हम बने हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के जवान किस तरीके से अलर्ट है। सामने वाला अगर आप इलाका देखें, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हाजीपीर सेक्टर है और यहाँ पर आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड्स हैं। हाजीपीर सेक्टर के साथ चिरकोट इलाका जो है वो पाकिस्तान का आता है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है। लेकिन भारतीय सेना की अलर्टनेस लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरीके से है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर पेट्रोलिंग किस तरीके से कर रही है, ये तस्वीरें जो है ये काफी अहम है, काफी खास है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली जो गन्स है वो भी भारतीय सेना के इन जवानों को दी गई है, यानी कि एक गोली एक दुश्मन। अगर कोई भी दुश्मन यहां पर इन्फिल्ट्रेशन की फिराक में आता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, यानी कि उसको मौत के घाट उतारा जाएगा। ये जो गन आप देख रहे हैं इसके साथ टेलीस्कोप लगा है जो ये काम करता है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, नाइट विजिबिलिटी बड़े आराम से इस गन से मिल जाती है। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो भारतीय सेना के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में यूज कर रहे हैं। साथ वाली गन भी आप देख सकते हैं, टेलीस्कोप इस गन में भी लगा है और तस्वीरों में आप देखिए कि बिल्कुल ही भारतीय सेना के जवान जो है वो काउंटर पार्ट पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। वक्त बदलने के साथ साथ आतंकवाद का तरीका भी बदला है। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान अब आतंकवाद के इसी बदले हुए तरीके का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हर रोज कर रहा है। कभी सीमा पार से ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, कभी साइबर स्पेस पर हमला किया जा रहा है, तो कभी जैविक हथियार के इस्तेमाल की बातें सामने आ रही हैं। भारतीय सेना को पता है कि बदलते वक्त के साथ साथ जंग टेक्नोलॉजी की बदौलत लड़ी जा रही है, तो टेक्नोलॉजी के जरिए ही इस जंग को जीता जा सकता है। इन सब बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय फौज की क्या तैयारी है, इसी का जायजा लिया TV9 भारतवर्ष की टीम ने। ड्रोन के जरिए लगातार पाकिस्तान सरहद के इस तरफ या फिर हथियारों की सप्लाई की कोशिश कर रहा है या फिर आतंकियों तक किसी भी तरीके से हथियार के साथ साथ ड्रग्स की जो खेप है वो इस पार भेजने के फिराक में रहता है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना की तैयारी लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरीके से है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये है लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ का इलाका, जहां पर भारतीय सेना 2400 घंटे अलर्ट मोड पर है और यहां पर ऑपरेशन अलर्ट भारतीय सेना की तरफ से चलाया गया है। खास बात ये कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली गन जो है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो जवान यहाँ पर अलर्ट हैं, जो जवान यहाँ पर तैनात हैं, उसकी निगाहें आप देख सकते हैं आसमान की तरफ है कि अगर यहाँ पर कोई भी ड्रोन दिखता है तो उसको निस्तो नाबूद किया जाए। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली गन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीस्कोप भी इस गन के अंदर लगा हुआ है, जो कि नाइट और डे विजिबिलिटी दोनों इस गन के अंदर अवेलेबल है। साथ में आप दूसरी गन भी आप देख सकते हैं, ये तमाम वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली गन है जो भारतीय सेना के जवानों को लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में दी गई है। लगातार पाकिस्तानी कोशिश कर रहा है कि ड्रोन के जरिए किसी भी तरीके से हथियार जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ अपने आतंकियों तक या फिर ओवरग्राउंड वर्करों तक पहुंचाया जाए। लेकिन इन जवानों के रहते आतंकी तो क्या हमारी सरहदों में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के अमन को कैसे नेस्ते नाबूद किया जाए। यही वजह है कि आतंकियों के घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान लगातार साजिश रच रहा है, लेकिन भारतीय सेना की चौकसी इस कदर है
कि दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब हो ही नहीं सकता। हाल ही में भारतीय सेना ने एलओसी पर सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में 4 पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। अब आप ये भी देखिए कि भारतीय सेना का जवान किस तरीके से रॉकेट लॉन्चर के जरिए अपनी सीमाओं की सुरक्षा में लगा है। इस समय मैं मौजूद हूं पुंछ में, फॉरवर्ड इलाके में मैं मौजूद हूं, लेकिन भारतीय सेना की अलर्टनेस इस इलाके में किस तरीके से है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सेना का जवान आप देख सकते हैं रॉकेट लॉन्चर लिए अपनी पोजीशन लिए हुए हैं, ताकि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो उसको निस्तोनाबूद किया जा सके। लेकिन जवान आप देख सकते हैं अलर्ट किस तरीके से है। पुंछ सेक्टर के सामने वाला अगर आप इलाका देखें, ये इलाका हाजी पीर का है और यहाँ से ही लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए कई आतंकियों के आका इस फिराक में हैं, ताकि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। हाजी पीर के साथ चिरीकोट का इलाका जो है वो इस एरिया में पड़ता है, जहाँ पर आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड्स हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 250 से 300 आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर अभी भी बैठे हुए हैं, और कई आतंकियों के लॉन्चिंग पैड जो है वो इस समय एक्टिव है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना का जवान अपनी निगाहें यहाँ काउंटर पार्ट पर रखे हुए हैं, और साथ में लेटेस्ट वेपन आप देख सकते हैं यह है रॉकेट लॉन्चर, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में यहाँ पर तैनात किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में अलर्ट नजर आ रही है। हम आपको एलओसी के चप्पे चप्पे पर बैठे जवानों के हौसले से रूबरू करा रहे हैं। ये हौसला जो आपको, हमको, हमारे देश को दुश्मनों की नापाक नजर से बचाए हुए है। हमारा अगला पड़ाव एलओसी के फॉरवर्ड एरियाज पर बने सेना के बंकर हैं। ये बंकर किस जगह पर हैं? ये तो हम आपको सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि यहाँ जवानों की निगाहें दुश्मन की नापाक हरकत पर टिकी हैं, ताकि दुश्मन किसी भी साजिश में कामयाब ना हो सके। ये देखिए भारतीय सेना का जवान किस तरीके से अलर्ट है। बंकर के अंदर भी भारतीय सेना के जो जवान हैं अपनी निगाहें जो हैं वो काउंटर पार्ट पर गाड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो किसी भी तरीके से करवाई जा सके। भारतीय सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में लेटेस्ट वेपन तक मिले हैं, यानी कि जो आप वेपन देख रहे हैं ये लेटेस्ट वेपन है। साथ में यहाँ आप देख सकते हैं कि निगाहें भारतीय सेना के जवान की किस तरीके से अपने काउंटर पार्ट पर है, क्योंकि लगातार कई चुनौतियां जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हैं। एक तरफ पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करवाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे हुए आका इस फिराक में है कि ड्रोन के जरिए भी आतंकियों तक हथियार जो है वो पहुंचाए जा सके। लेकिन इन सब के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकी तो क्या एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हिमालय से ये हौसले यूं जज्बा पैदा नहीं करते, ये मजबूत इरादे बनाए जाते हैं। भारतीय सेना ने सरहद के लड़कों को सेना में भर्ती करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। आतंकियों का काल बनने के लिए तैयार है ये युवा, सरहद की रक्षा करने के लिए तैयार है ये युवा। ये है लाइन ऑफ कंट्रोल पर गाँव में रहने वाले कुछ युवा, जिनको भारतीय सेना की तरफ से फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। ये बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आपको भारतीय सेना का हिस्सा कैसे बनना है। बकायदा फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है, ये समझाया जा रहा है कि अगर आपको भारतीय सेना का हिस्सा बनना है, किसी बेल्ट फोर्स का हिस्सा बनना है, तो क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है। और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन युवाओं में जज्बा किस तरीके से है। ये चाहते हैं कि ये भारतीय सेना का हिस्सा बन सके, ताकि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दे। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए भारतीय सेना खुद यहाँ पर इस लाइन ऑफ कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाके के गांव वालों में जितने भी युवा हैं उनको सिखा रही है, समझा रही है कि कैसे आपको फिजिकली फिट रहना है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पंकज शर्मा। पंकज शर्मा, ये बताओ कौन सा गाँव है आपका? मेरा दिगवार गाँव। यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या समझाया जा रहा है आपको, क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे सुबह फिजिकल की ट्रेनिंग दी जा रही है, कुछ स्ट्रेचिंग भी कराते हैं सुबह, शाम को हमारी एनडीए की क्लासेस होती हैं, तो हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। क्या चाहते हो आप, कहाँ किस में नौकरी करना चाहते हो? हमारा शुरू से एम है कि आर्मी में जाना चाहते हैं, तो हमको ये आर्मी में की ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो
कितना जज्बा आप में भारतीय सेना को लेकर? सर बहुत 100% जिसको बोल सकते हैं 100% हमारे अंदर जज्बा है भारतीय सेना में ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि हमारे इधर का कल्चर ही ऐसा है, शुरू से हम भारतीय सेना को देख रहे हैं और उन्हीं बचपन से जब मैं इधर से यही देख रहा हूँ बॉर्डर एरिया, और उसी को देख देख के हमें मोटिवेशन मिले कि हमें आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, और दुर्गा बटालियन हमें फ्री प्रोवाइड कर रही है फिजिकल प्लस कोचिंग, हम इनका थैंकफुल हैं कि ये हमें इसी तरह से प्रोवाइड करते हैं। उशाब बहुत सर बहुत ज़्यादा। और ये बताओ कि किस तरीके से आपको ट्रेनिंग देते हैं? सर ट्रेनिंग ये सुबह हमारी फिजिकली क्लास होती है सर, उसमें रनिंग वगैरह सब कुछ, उसके बाद डाइट का ये हमारा ख्याल रखते हैं, दिन को हमारी एनडी की लाइव क्लासेस होती हैं सर कोचिंग, और शाम को जीडी वालों की होती हैं, और शाम को सर फिर हमारी फिजिकल होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं युवा बता रहे हैं कि कितना यहाँ पर भारतीय सेना जो है वो इनको ट्रेनिंग दे रही है, समझाती है, बताती है, फिजिकल के साथ साथ जो एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है वो भी यहाँ पर सिखाई जाती है, क्लासेस ली जाती है, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये युवा जो है वो तैयार है ताकि ये भारतीय सेना का हिस्सा बन सके। नई पीढ़ी देश की सेवा के लिए तैयार हो रही है, यहाँ हर किसी का यही ख्वाब है कि वो देश की आन बान शान के लिए जिए।